हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। तो अभी हम जॉर्जिया बीच की ओर जा रहे हैं। अभी मतलब मसूरी में हमने होटल में ही है, बैग वैग सब पैक कर दिया, रूम एकदम क्लीन कर दिया, जैसे रात को बोरी आना थोड़ी थी, और थोड़ा सा टैंक बैग में सामान रख लिया है। तो अभी बाइक पे मिलते हैं, कैमरा अपना सब चार्ज है, अब यहाँ से हम निकलेंगे और आपको रूट दिखाते हैं जॉर्जिया बीच का। भैया जॉर्जिया बीच की ओर जा रहे हैं और यहाँ की चढ़ाई और क्या बताऊँ भाई साहब, दूसरे गियर पर बाइक ऐसा हो रही है, ऐसा ख़त्म हो गई, इंजन में पावर ही नहीं है भाई, बस पूछो मत। और पर यहाँ पे ठंडा हो रही है भाई, यहाँ पे बंदों ने, स्कूल के बंदों ने तो वो पहन रखी है जर्सियाँ। तेरे भाई का जर्सी डाल रखी है, मान रहे होगा इसी गर्मी में जर्सी भाई साहब, देख के समझ आएगा क्या ठंडा है। ये देखो जर्सी पहन रखी बच्चों ने भाई। ये पार्किंग एरिया इन्होंने बंद कर रखा है, एक तरह से अच्छा ही है यार, लोग बाग ऊपर गाड़ी लेके जाएंगे, दुनिया भर की भीड़ हो रही होती है। तो अब यहाँ से चलते हैं, ट्रैकिंग चालू। ड्राइव स्लो प्लीज, अब गाड़ी आने तो दो जब खोल भी तो होंगे, कभी कभार कभी नहीं खुलता, जब से बंद हो गया ना, अभी बंद करा होगा, जब इन्हें पता चल गया भीड़ भड़ाका हो जाता है। मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो में देखा था, खड़ी चढ़ाई है बाबा, या तो पहले गियर पे जाएगी बाइक ना, लेकिन ये चीज अच्छी, लेकिन ना वो नहीं यार, क्या थोड़ा खराब नहीं है, प्रॉपर वो लग रहा है, बाइक हिलेगी, इस पे ग्रिप ओके आ जाती है, क्या हो गया, हिलेगी नहीं बाइक। यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोग अकेले ही घूम रहे हो, वहाँ पे काफी लोग आते हैं, लोग कल के भी बहुत घूमते हैं, कल हमें एक ग्रुप मिला था, उन्होंने बताया था कि जाना जरूर, अच्छी जगह है। बस यह चढ़ाई बहुत तकड़ी है, खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, जान के बनाई उन्होंने प्रॉपर खड़ी, ये बनाने चक्कर में। योगेश भाई से पूछते हैं कैसी हालत है भाई, पूरी पैसा देव की चढ़ाई है यहाँ तो बोला ना, वो भी फेल है, ये बैरो बाबा वाली है, वो है इतनी खड़ी भाई, जब गया था ना ऐसी हो गई थी पैरों की। जब भी आओ भाई पानी जरूर लेके आना साथ में, पानी तो 2 लीटर से कम लाना ही मत, हमारा हाइड्रेशन बैग फुल है 2 लीटर का। ओ भाई चक्कर जल्दी आते हो, पानी जरूर लेके आना, तुम तो यहीं पड़ जाओगे, ऊपर चले थोड़ा चाहिए। भाई और खड़ी हो गई है, तो देख रहे भाई और खड़ी चढ़ाई हो गई है, यहाँ ऐसे में फिर सीढ़ी होनी चाहिए थी, तुम खाली हाथ भी तो नहीं है। मज़ा तो यहाँ पे बहुत आ रहा है, जो नाम रखा गया जॉर्ज आवेज वो सही है जॉर्ज, हाँ मतलब तुमको चढ़ने में बहुत जोर पड़ेगा, एवरेज याद आ जाएगा एवरेज चाहिए पर भाई ठंडा ये भी नहीं, गर्मी में सच ऐसी हो जाए, धूप है कभी, धूप कभी छाँव है भाई। अब जाके पहुँचे हैं, ना ना करते हुए 12 किलोमीटर तो हो गई है भाई, 10-12 किलोमीटर है उसमें, ये तैसी हो गई, पीछे बंदे तो नहीं आ रहे, उनकी हवा खराब पड़ी है भाई। उस साइड वाली साइड में जाना कुछ नहीं है, वहाँ पे हम चढ़ के आ गए, इधर आ रहा लेफ्ट, यहाँ से ऊपर चढ़ते ही लेफ्ट साइड, यहाँ कैंप भी लग रहे हैं, जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडी हवा है और वेदर चेंज होता चला जाएगा, सारे लोग भी इधर ही जा रहे हैं। मतलब यहाँ जो आप लोग रील वील के शॉट लेने जाते हो भाई, एक नंबर आने वाले हैं। बाकी का रिव्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से, ये देखो भाई अल्टीमेट है, मेहनत करके ऊपर आओगे वसूल है भाई, क्यों भाई। हाँ बिल्कुल भाई, इसका भी अलग पन है वैसे, जब तक तुम आगे अगर कोई बंदा कह रहा है नीचे मत जाओ ऐसा है वैसा है भाई, जब तक खुद नहीं आओगे नहीं पता चलेगा, पर ऊपर आगे जो वसूल होगी, तो अगर 12 किलोमीटर चढ़ के आए चढ़ाई तो वसूल हो गई। अभी और ऊपर चलते हैं, देखते क्या है। अभी भाई हम वहाँ थे, वहाँ से चढ़ते हुए वो सीढ़ी सारी इतने ऊपर आया, क्या हालत हो रही है भाई, थकावट हो रही है लेकिन बस वो तो रही है, मज़ा आ रहा है ना, वो है 3 मीटर और बचे यहाँ से, और ऊपर जाना भी हाईएस्ट पीक हुआ है।
से हाथ पकड़ के चल रहे हैं भाई। देहरादून से पहले उतरना पड़ेगा भैया, ऊपर चढ़ते चढ़ते बीच में कैफे तो बना रखा है भाइयों ने, तो रुके थोड़ा कुछ खाते हैं। सुबह से बटर ब्रेड और चाय पी थी, और यहाँ का व्यू देख लो भाई साहब। अगर तुम आ रह जाओगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, और ऊपर जाओगे बहुत कुछ दिखेगा ऊपर से। अभी कितनी हाइट होगी अंकल? 7,000 फीट बहुत होती है। यही तो इसने खोज पैमाइश किया था। अच्छा जो अगर सही भीड़ हुई ना आज कैंप करेंगे यहीं पे, यहीं स्टे करेंगे। तो भैया अभी ऊपर निकलते हैं और अपना सिस्टम बिठाएंगे, कुछ खाने पीने का हम सामान लाया है ऊपर जाके लगाएंगे। पौने 2 घंटे हुए बैठे हुए यहाँ पे, इससे ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। अभी यहाँ से कम 2 किलोमीटर हो रहा है, पर ये आराम अच्छा खासा मिल गया पैरों को, तो अब चढ़ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। इससे ऊपर कहाँ जाएंगे? हाँ यहीं बैठ देंगे, थोड़ा बढ़िया जगह ढूंढते हैं थोड़ी बैठने की। पर यहाँ लोगों ने यार बहुत गंद कर रखी है, देखिए बियर वियर की बोतल देखिए कैसे फेंक रखी है। अबे डस्टबिन ये तो बैग में ले जाओ करके भाई, हम कुछ खाएंगे भी, हम तो बैग बैग में लेके जाएंगे, ऐसे तो कोई है नहीं कि भाई। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी गंद कर रखा है। ये हाईएस्ट है भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं है, पर आना हो तो भाई आ जाना, वरना वहाँ कैंप तक भी जो कैफे सब यहाँ से जा रहे हैं, वरना वहाँ से घूम के जाना पड़ता है। तो भाई देखो कैसा रास्ता है, मतलब कुछ है रास्ता तो खैर है ही नहीं, कूदना पड़ रहा है बार बार। ये भी आ रहा है पीछे पीछे, बाबू आराम से, बाबू आराम से चलना आराम से भाई, धक्का लग रहा है। तो भाई ऊपर से आने के बाद यहाँ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए रुके, चाय पियेंगे तो थोड़ा बहुत पानी पी के अपना निकलेंगे। बाइक भी भाई पीछे दब गई है, वो खड़ी अपनी बाइक ये वाली, बहुत भीड़ हो गई इस टाइम तो। 7 मिनट में जा रहे हैं, हम लंच कर रहे हैं ऐसे तो हमारा दोस्त खाने ना खाते ना खाता। अब भाई वो खाओ ना जो समझ में आए, पहाड़ चढ़ रहा है खा रहा है तू उल्टी सीधी चीजें, खा के गए थे तो अपना ब्रेड बटर बढ़िया करके हम लेट उठे ना, जब तो उठा लेट। हाँ या तो हम जल्दी उठते, तो अभी लंच करते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई आज नई सुबह है यहाँ की मसूरी की, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब आज हमारा यहाँ पे टूर खत्म हो गया मसूरी का। बैग वैग सब पैक कर लिए हैं, वो अभी अपनी बाइक लेने गया, बाहर खड़ी थी उसकी, आते ही निकल जाएंगे। तो हमारा ये व्लॉग यहीं ख़त्म रहा होता है, फिर से नई राइड की तैयारी करेंगे और फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।